नमस्कार दोस्तों, आपका टेक्नोलॉजी और साइंस के चार नए अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यूट्यूब का टेक्नोलॉजी चैनल टेक केयर हिमांशु। दोस्तों टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड वीडियोस, अनबॉक्सिंग, टेक्नोलॉजी और साइंस के अपडेट्स, न्यूज इस चैनल के ऊपर हम लेके आते रहते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी और साइंस में जरा भी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर में लिखा सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों टेक्नोलॉजी और साइंस की अपडेट्स और न्यूज मैं बहुत चुन चुन के लेकर आता हूं। 25 से 30 न्यूज को मैं पूरा समझता हूं, पढ़ता हूं, उसके बाद सिर्फ चार अपडेट्स निकालना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। ऐसा लगता है दिल में कि पांच बता दूं, छह बता दूं, लेकिन कैसा है, ज्यादा फालतू की बातें करके कोई फायदा नहीं। जैसे सब लोग करते हैं, जैसे बाकी लोग करते हैं, सिर्फ काम की बात होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट बात। वैसे तो रोज तो बात करनी ही है, रोज तो नया अपडेट देना ही है, तो क्यों फालतू की बात की जाए। तो दोस्तों चलिए फटाफट आज के टेक्नोलॉजी साइंस के चार नए अपडेट्स को जान लेते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। दोस्तों पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जोमेटो की तरफ से। जोमेटो ने अपने इंडिया में 30 सिटीज में ग्रोसरी डिलीवरी की शुरुआत कर दी है और उन्होंने ऐसा कमिटमेंट किया हुआ है कि 30 सिटीज में हम ग्रोसरी की डिलीवरी करेंगे। ग्रोसरी यानी कि किराना बाजार। अभी कैसा है, सबको किराने की जरूरत है, सबको किराना माल की जरूरत है, लोग घर में ही बैठे हुए हैं, घर में लॉकडाउन है, तो बहुत अच्छा है कि सब लोग घर में ही बैठे हुए हैं। तो जोमेटो ने ये ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्ट कर दी है और उसको देख के स्विगी ने भी स्टार्ट की है, पेटीएम भी आ चुका है अभी मार्केट में और शॉप क्लूज भी शुरुआत करने वाला है। तो कुल मिला के खबर यह है कि जोमेटो ने 30 सिटीज में किराना माल की डिलीवरी स्टार्ट की है। अब देखिए ये डिलीवरी लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती है। वैसे तो आपको पता होगा कि जोमेटो जो है खाने की चीज़ें, होटल आइटम, रेडी टू ईट फूड, कुक्ड फूड डिलीवर करने के बारे में नामी है अपने देश में, अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या जोमेटो, स्विगी ये सब लॉकडाउन के बाद भी ये किराना माल डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी से दूसरे अपडेट की तरफ बढ़ते। दूसरा अपडेट ये है कि जल्दी ही मार्केट में एक स्मार्टफोन आने वाला है जिसके कैमरे का मेगापिक्सल होगा 192 मेगापिक्सल। अभी तक 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखा गया है Xiaomi के Mi 10 वाले सीरीज के मोबाइल फोन में, बट ये बड़ा सा मैसिव पिक्सल वाला कैमरा, मेगापिक्सल वाला कैमरा, 192 मेगापिक्सल वाला कैमरा नेक्स्ट मंथ तक आ सकता है। ये चाइना से खबर आ रही है, वही कोरोना वायरस वाला चाइना, ठीक है। तो चाइना से अपडेट आ रहा है, पता नहीं है कौन सा मोबाइल होगा, क्या होगा, बट कह रहे हैं कि 5G हो सकता है, क्योंकि अभी 192 मेगापिक्सल कैमरा लॉन्च करें तो 5G ही होना चाहिए। तो बट इसके बारे में और ज़्यादा कोई खबर नहीं है, जैसे जैसे खबर आएगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपडेट्स को जानने हैं, तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों तीसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप का जो बैकअप वाला फीचर है ना, आपको पता नहीं ये ऑटोमेटिक भी बैकअप करता है व्हाट्सएप आपके चैटिंग को, और ये गूगल ड्राइव के ऊपर भी बैकअप करता है। तो नया फीचर आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, ठीक है, अभी तक आया नहीं, चिंता मत करो, अभी तक आया नहीं है, नया फीचर आने वाला है, इस तरह की बातें चल रही है। एक वेबसाइट ने इसका खुलासा किया है कि बैकअप जो है ना, जो हम गूगल ड्राइव के ऊपर बैकअप लेते हैं और जब हम इसको फॉर्मेट करते हैं मोबाइल को, या फिर नया व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, या फिर मोबाइल फोन चेंज करते हैं, तो अपना पुराना व्हाट्सएप का चैट मैसेज का जो बैकअप है हम गूगल ड्राइव से लेते हैं और इसमें इंस्टॉल करते हैं, तब कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं होता है, कोई भी पासवर्ड नहीं पूछा जाता। बट आगे से जब भी हम नया व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे या नया फोन यूज करेंगे, व्हाट्सएप उसमें नया डालेंगे, तो अपने गूगल ड्राइव से जब भी बैकअप लेंगे तो उसमें पासवर्ड पिन पूछा जाएगा। यह अच्छी खबर है, यह अच्छा सिक्योरिटी है व्हाट्सएप की तरफ से। तो दोस्तों चौथे खबर की बात कर लेते। चौथा जो अपडेट है वो ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना वायरस का माया जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया में फैला हुआ, तब से जो है साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, फिशिंग अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं दुनिया में, वेबसाइट में, सर्वर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स बढ़ गए हैं, और इसका पूरा का पूरा फायदा उठाया जा रहा है कोरोना वायरस, COVID-19 नाम से। हाल ही में पता चला कि करीब 1700 जूम नाम का डोमेन, उसके आसपास माई जूम, जूम सर्विसेज, जूम सिक्योरिटीज वगैरह 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 अलग अलग नाम उल्टा पुल्टा करके वेबसाइट रजिस्टर हुआ है जूम नाम को लेकर के, जिसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जूम है। क्योंकि जूम, जैसा कि मैंने बताया कि जूम बहुत ही जल्दी, लास्ट अपडेट से मैंने बात की है इसके बारे में, तो जूम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका वीडियो चैटिंग का ऐप है, जहाँ पे 50 के करीब लोग एक साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। तो ये ऐप का नाम यूज करके बहुत ज़्यादा डोमेन पूरे वर्ल्ड वाइड में बुक हुआ है,
पिछले ही हफ्तों हुआ है और भी आगे चल करके बुक होगा, और बहुत सारे जो है डोमेन हैं जिसमें कोविड 19 मेडिसिन इस तरह से फेक चीज़ें बताई जा रही है, और इसको लालच देकर कोविड 19 का दवा या डॉक्यूमेंट्स या मैप इस तरह की चीज़ों को दे करके ये मालवेयर दे रहे हैं आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में। तो ये लॉकडाउन के कारण, जब इसका एक और रीज़न ये भी माना जा रहा है कि जैसे ही सर्वर में वेबसाइट में सेटिंग हुई है कि लोग घर पे ही वर्क फ्रॉम होम उसको मेंटेन करें या काम करें उनके एम्प्लॉय, तब से ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि उसकी सेटिंग में जो चेंजेस हुए हैं उसको भी कारण माना जा रहा है इसका। तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए कि आपको आज की अपडेट टेक्नोलॉजी साइंस की कैसी लगी। जल्दी हम नेक्स्ट डे टेक्नोलॉजी साइंस की नई अपडेट लेकर के आएंगे। तो इसी तरह के साइंस टेक्नोलॉजी के वीडियोज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए साइंस टेक्नोलॉजी के वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।